प्राचीन काल से ही कहा जाता है भाग्यशाली औरतों की कुछ खास निशानियां होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं के शरीर के अंगों को देखकर उनके स्वभाव और उनके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज के रिसर्च के अनुसार भी महिलाओं के शरीर के अंगों के अनुसार हम उनके भाग्य के बारे में जान सकते हैं। समुद्र शास्त्र में स्त्री के शरीर के कई शुभ अंगों और उनके विषय में बताया गया है। अगर महिलाओं के ये अंग बड़े हों तो वे अपने पति की किस्मत चमका देती हैं। तो आइए जानते हैं महिलाओं के शरीर के अंगों के बारे में, जिससे हम उनके भाग्य के बारे में पता लगा सकते हैं। पहली बात है लंबे बाल। काले और लंबे बाल न सिर्फ औरतों की खूबसूरती के परिचायक होते हैं, बल्कि ये इस बात का सूचक है महिलाओं के आने से घर में सुख और शांति आ जाती है। इतना ही नहीं, इनके प्रवेश से ससुराल के सभी सदस्यों की किस्मत खुल जाती है, क्योंकि यह अपने साथ अपना भाग्य भी लेकर आती हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जिन महिलाओं के बाल लंबे और काले होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्री के अनुसार जिन स्त्रियों की गर्दन सामान्य आकार से थोड़ी लंबी होती है ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। कहा जाता है कि लंबी गर्दन वाली स्त्री सुखकर और ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष भाग्यशाली माने जाते हैं। लंबे कान। जिन स्त्रियों के कान सामान्य से लंबे होते हैं ऐसी स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि वो भाग्यशाली होने के साथ ही लंबी आयु वाली होती हैं। ऐसी स्त्री से जन्मे बालक बुद्धिमान और तेजस्वी होते हैं और आगे चलकर परिवार का नाम रोशन करते हैं। लंबे पैर। जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं उनके बारे में कहा जाता है उनके पैर माता लक्ष्मी के चरणों के समान होते हैं। ऐसी स्त्रियां अपने घर परिवार को सुख संपत्ति से भर देती हैं। ऐसी स्त्री के घर में आगमन के साथ ही घर में धन धान्य और समृद्धि बढ़ती है। ऐसी स्त्री के साथ विवाह करने वाले पुरुष भाग्यशाली माने जाते हैं। लंबी उंगलियां। जिन स्त्रियों के हाथ की उंगलियां सामान्य से अधिक लंबी होती हैं, वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति और परिवार वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री के हाथों में सरस्वती का वास होता है। इनके हाथों में कला एवं अन्य प्रकार के गुण होते हैं। इनके हाथों से बने खाने का स्वाद होता है। ऐसे महिलाओं के घर पर होने से परिवार के सदस्य कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। गहरी नाभि। जिन स्त्रियों की नाभि बड़ी और गहरी होती है ऐसी स्त्रियां धनवान भाग्यशाली होने के साथ ही शुभता का संकेत देती हैं। ऐसी स्त्रियां परिवार को सुख देने के साथ साथ धन वैभव और संतान से युक्त होकर जीवन भर आनंद भोगती हैं। लंबी नाक। लंबी नाक वाली औरतें भी भाग्यशाली होती हैं। ये ज्यादा खर्चा नहीं करती और घर के बजट के हिसाब से ही चलती हैं। पैसों को सही तरीके से मैनेज करके रखने वाली औरतें अपने पति को काफी सुख पहुँचाती हैं और उसके साथ हर वक्त खड़ी रहती हैं। चौड़ा माथा। अगर किसी महिला का माथा चौड़ा है तो इसे उसकी बदसूरती से ना जोड़ें, क्योंकि चौड़े माथे वाली औरतें बहुत ही मेहनती और ईमानदार होती हैं। इनका स्वभाव दयालु होता है और वे हर परिस्थिति में सोच समझकर काम करती हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना खुशी से करती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, ना कि चिंताग्रस्त होकर बैठ जाती हैं। बड़ी आँखें। जिन औरतों की आँखें बड़ी होती हैं वे न केवल खूबसूरत दिखती हैं बल्कि ये काफी विश्वसनीय भी होती हैं। ये अपने साथी से बेहद प्यार करती हैं। ऐसी औरतें स्वभाव से बहुत ही दयालु होती हैं। इन्हें भाग्य लक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि इनके घर पर रहने से घर पर पैसों की कभी कमी नहीं होती। लंबी टांगे। लंबे पैरों वाली औरतें देवी लक्ष्मी के समान शुभ होती हैं। वहीं लंबी टांगों वाली औरतों को विरासत से ही काफी कुछ मिल जाता है। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी इन्हें कभी भी पैसों से जुड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, ये थे महिलाओं के अंग जिन्हें सामान्य आकार से बड़े होने से इन्हें भाग्यशाली माना जाता है।